संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित विश्व आदिवासी दिवस पहली बार 1995 में विश्व के आदिवासी समाज द्वारा मनाया गया। आज विश्व आदिवासी दिवस का 25वां वर्ष मनाया गया, जिसके अंतर्गत आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और समाज में बेरोजगारी, कुरीतियों से मुक्त कर समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षित करने के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। किंतु इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से रैली और अन्य कार्यक्रमों को आयोजित न कर इस वर्ष पौधारोपण किया गया। ग्राम बिरला में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर 100 लगभग पौधे रोपण किए गए। साथ ही उन्हें बड़े कर पेड़ बनाने का संकल्प भी लिया गया। टंट्या भील पहाड़ी खोलगांव के लिए और आदिवासियों ने अपने ग्राम स्तर पर छोटे छोटे पौधे रोपण कार्यक्रम आयोजित कर विश्व आदिवासी दिवस को त्यौहार के रूप में मनाया और युवाम सामाजिक संस्था खरगोन के द्वारा भी पौधारोपण किया गया। सेगावां से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। यह वृक्षारोपण आज हमारा आदिवासियों का जो विश्व आदिवासी दिवस बोला गया है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक अपनी आदिवासी स्टडी में पाया कि आदिवासियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, इसलिए उनने सोचा कि क्यों न विश्व स्तर पर एक आदिवासी दिवस मनाया जाए, जिसके द्वारा लोगों को सूचित किया जाए या मतलब जागृत किया जाए कि हमारे लोग कहाँ कहाँ, आदिवासी लोग कहाँ कहाँ के हैं और किस तरह से पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने का क्या रास्ता हो सकता है, उसके हिसाब से ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और इसमें आदिवासियों का जो प्रकृति से लगाव है, जो बेसिक प्रकृति के सहचर है और प्रकृति के साथ में चलने वाले, प्रकृति का संरक्षण करने वाले प्रकृतिवादी जो आदिवासी लोग हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति का संरक्षण भी करें, हम लोगों में जागरूकता भी फैलाएं और पूरा जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए कोशिश करें, शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। इसमें जो अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा इसको कम संख्या में हर गांव में कर रहे हैं, जहां जहां जगह उपलब्ध हो रही है गांव में, फिर कोई शासकीय जमीन हो या कोई प्राइवेट जमीन हो, जहां जहां बोला है वहां पे सब दूर प्लांटेशन कर रहे हैं, इसलिए सीमित मात्रा में लोगों को इकट्ठा किया और साथ में मास्क वगैरह वितरण भी कर रहे हैं, ताकि लोग उसके बारे में भी जानकारी रखें और किस तरह से बीमारी उनको दूर रखें और विश्व समुदाय को ये सूचित करें कि हम किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये वृक्षारोपण भी किया जा रहा है और विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। क्या नाम लिखते हो? मैं डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।